माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग के साथ खुले बालों के लिए ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, वो भी छोटे बालों में। तो मुझे कमेंट आया था कि मैम आपने हेयर कट कहाँ से कराया और ये कौन सा हेयर कट है। तो डियर, एक हेयर कट मैंने सेल्फ किया है एंड इसकी वीडियो भी है चैनल पे, एंड ये काफी ज्यादा मैजिकल हेयर कट है। इसको वन कट में आप खूबसूरत सा लुक दे सकते हो। कैसे कट करना है सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए एंड आप इस तरीके का हेयर कट खुद से कर सकते हो। तो चलिए ज्यादा बातें न करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सॉरी, मैं यहाँ पे क्लिप्स निकाल रही थी। इस हेयर स्टाइल के लिए आपको बॉबी क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं साइड पार्टीशन से कर रही हूँ, आपको जैसे करना होगा आप मिडल पार्टीशन से भी हेयर स्टाइल बन जाएगा बहुत इजीली। अगर आप साड़ी डाल रहे हो तो मिडल पार्टीशन से कर लीजिएगा। अब आपको इस तरीके से करने के बाद से सिंपली इस तरीके से लेयर्स लेने हैं एंड ट्विस्ट करना है। थोड़ी देर तक ट्विस्ट करके इसको होल्ड करने के लिए किसी चीज का यूज कर लीजिएगा। इस तरीके की क्लिप्स आपको मिल जाएंगी मार्केट में 20 से 30 रुपए में। तो इसको जैसे मैंने क्लिप्स को लगा लिया एंड यहाँ पे मैं होल्ड कर रही हूँ। ओके, इसी तरीके से आपको और भी लेयर्स लेनी है। आप यहाँ पे मिरर में देख सकते हो फ्रंट से कैसे हो रहा है एंड सिंपली ट्विस्ट करते जाना है। तीन या चार लेयर्स लेके आपको इस तरीके से ट्विस्ट करना है। मैं यहाँ पे 4 लेयर्स लेके ट्विस्ट कर रही हूँ। कल मैंने बताया था एक रबर बैंड से 7 हेयर स्टाइल्स थे डिफरेंट, जो कि काफी अच्छे लग रहे थे। और ये चारों लेयर्स को एक साथ ले लेना है इस तरीके से एंड इसको ट्विस्ट कर देना है आपस में। ट्विस्ट करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि ये चिपके ना आपस में एंड इसको बॉबी क्लिप से सेट करना है। सेट करते टाइम ध्यान रखिएगा कि आपका हेयर हटा देना है एंड इसके बाद इसको क्लिप्स को लगाना है ताकि जो आपकी क्लिप्स हैं वो दिखाई ना दें। कोई से भी क्लिप्स आप यूज कर सकते हो। क्लिप्स लगाते टाइम हमेशा इस तरीके से क्रॉस कीजिए। ऐसे करने से क्या होता है कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो बिगड़ता नहीं है एंड आपकी क्लिप भी नहीं सरकती है कितने भी हैवी हेयर हो। अब इसको इस तरीके से ढक देना है एंड इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा। काफी प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। एंड ओपन हेयर के लिए काफी स्टाइलिश भी लगेगा ये हेयर स्टाइल। वाओ, अब आपको इस साइड का हेयर जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इस तरीके से ट्विस्ट करूंगी। आप चाहो तो ओपन भी रख सकते हो वैसे। और दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। इसके साथ आप इयररिंग्स वगैरह जो भी पहनना है वो पहन सकते हो। तो काफी अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, जो इस साइड का हेयर है उसको सिंपली इस तरीके से रखना है, देन चोटी बनानी है। इसमें 3 लेयर्स में डिवाइड करना है बालों को एंड जैसे सिंपल चोटी हम लोग गूंथते हैं वैसे ही गूंथ लेनी है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो गाइस। चोटी को पूरा जितना आपका हेयर है उतना लॉन्ग गूंथ लेना है। मेरे हेयर तो यहाँ पे काफी शॉर्ट है बट आप अगर लॉन्ग होंगे तो और भी प्यारा हेयर स्टाइल ये बनेगा। इस तरीके से पूरा एंड तक मैंने गूंथ लिया है एंड इसके एंड में एक ब्लैक रबर बैंड लगा दूंगी। और इसको थोड़ा थोड़ा सा खींचूंगी इस तरीके से ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है उसका लुक अच्छा है एंड जो हमारी चोटी है अगर पतली है बहुत तो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरीके से पूरा खींचने के बाद आपको सिंपली अपने बालों को ऐसे रखना है एंड इसको जहाँ पे आपने क्लिप्स लगाया था वहां तक ऐसे लेके जाना है एंड रबर बैंड को निकाल देना है और क्लिप को इस तरीके से, सॉरी,
चोटी को क्लिप के अंदर इंसर्ट करना है ऐसे, और इसको अंदर की तरफ से जो आपने क्लिप लगाया था उसके अंदर ही इस तरीके से लगा देना है। और ये भी काफी अच्छा लगता है एंड स्टाइलिश लुक देता है आपके बालों को। वाओ, तो इस तरीके का लुक आएगा ये, एंड इस साइड से कुछ ऐसा लुक दिखेगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। फर्स्ट हेयर स्टाइल में ही काफी अच्छा लग रहा है एंड स्टाइलिश भी लग रहा है। लेयर्स निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं, उसके लिए पहले इन लेयर को ओपन कर लेते हैं। बहुत इजी है ओपन करना भी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओके, अब बालों को इस तरीके से खोल लिया मैंने। इस साइड का जो चोटी है इसको ऐसे ही रखेंगे एंड इस साइड से हम अपना जो लेयर्स कटे हुए हैं उसको छोड़ देंगे फ्रंट साइड की तरफ। एंड जो ऊपर के हेयर हैं इनको एक एक करके लेना है ऐसे और ट्विस्ट करना है, साथ में ट्विस्टिंग के हेयर को मिक्स करते जाना है। पूरा नीचे तक नहीं ले जाना है, बस यहीं तक आपको इस तरीके से करना है एंड थोड़ा थोड़ा सा लेयर को इस तरीके से खींच लेना है ताकि ये प्रॉपर अच्छे से दिखे जो हमने बनाया है। अब इस यहाँ से हेयर को हटाएंगे एंड यहाँ पे क्लिप से इसको सेट करेंगे। हमेशा आपको दो क्लिप ही लगानी है अगर आपकी ट्विस्टिंग या हेयर बहुत ज्यादा घने हैं तो। उसके बाद हेयर को छोड़ देंगे और जो ये फ्रंट का हेयर है इनको अच्छे से कॉम करेंगे नीचे की तरफ। एंड चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, अगर आपको फेस पे नहीं रखना है तो आप सिंपली ईयर के पीछे इस तरीके से कर दो और आपका जो हेयर स्टाइल है वो काफी अच्छा दिखेगा। अब बारी आती है ये चोटी का, क्या करना है हमको। तो इस चोटी को इस तरीके से लेके जाएंगे और अगेन यहाँ से हेयर को हटा देंगे और यहाँ पे इसको क्लिप की मदद से सेट कर देंगे। मैं यहाँ पे सिंगल क्लिप से ही सेट करी, बट आप दो लगाइएगा जैसे मैंने अभी बताया था और हेयर से क्लिप को हाइड कर देंगे। तो ये भी काफी अच्छा और स्टाइलिश लगता है एंड बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो ये भी आप पार्टी फंक्शन में बना सकते हो, जो कि काफी इजी है एंड सेल्फ है एंड खुद से बना लोगे तो काफी अच्छा भी लगेगा एंड आपको पार्लर भी जाके पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। या फिर आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं लगता है और आपको बन बनाना है तो आप क्या करोगे, पहले आप दोनों साइड से इस तरीके से लेयर्स निकाल देने हैं एंड सारे हेयर को ले लेंगे। बाय द वे किसी कई बार हम लोग को साड़ी पहनना होता है तो ओपन हेयर नहीं रख पाते हैं, बहू हैं तो बिल्कुल नहीं रख पाते हैं क्योंकि हमको सिर पे पल्ला वगैरह लेना होता है। तो उसके लिए आप इस तरीके से हेयर को सारे को एक साथ ले लोगे और एक रबर बैंड लेंगे, रबर बैंड को अच्छे से इस तरीके से लगा देंगे। ओके, इस तरीके से करने के बाद से जो आपका हेयर है उसको सिंपली रबर बैंड के ऊपर से लेके आएंगे और इस तरीके से लपेट देंगे चारों तरफ से एंड यूपिन या बॉबी क्लिप की मदद से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ओके, इतना करने के बाद से जो आपका ये वाला हेयर है इसको ऐसे फैलाएंगे इस तरीके से और एंड पार्ट पे ले जाके यहाँ पे आपको बॉबी क्लिप यूज करना है, यूपिन से ये सेट नहीं हो पाएगा। और बॉबी क्लिप को इस तरीके से लगाना है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। यहाँ पे लेके आएंगे एंड बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर करेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का लुक आएगा आपके बालों का। सॉरी ये गलत लग गया था, इस तरीके से आपको हेयर को लेना है एंड बॉबी क्लिप को इस साइड से डायरेक्शन से लगाना है जो हमारे इसका गैपिंग है उसके अंदर अच्छे से अटैच हो जाए। अभी ये ठीक है और ये काफी अच्छा और स्टाइलिश लगता है। अगर आपको लगे कि यहाँ से बहुत ज्यादा उठा उठा सा फील हो रहा है तो आप एक और बॉबी क्लिप ले लोगे एंड इसको इस तरीके से दबा के और नीचे से
वो अभी क्लिप को इसके अंदर इंसर्ट कर दोगे तो ये भी काफी अच्छा लगता है। एंड छोटे बालों में, पतले बालों में आप काफी सुंदर सा स्टाइलिश सा लुक दे सकते हो अपने बालों को और अपने हेयर स्टाइल को। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया और काफी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्राउन एरिया से हेयर को खींच देंगे और ये हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। तो ये है फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो अगर आपके आपके भी बाल इस तरीके से छोटे हैं और आप कुछ बड़ा हैवी जूड़ा बनाना चाहते हो, साड़ी पहन रहे हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो आज के हेयर स्टाइल कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपने ट्राई किया है एंड इमेज पिक सेंड करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। वहां पे आप मुझे प्रीत तिवारी 24 इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी। वहां पे आप मुझे कभी भी कुछ भी पार्लर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, इसके साथ आप ये भी जरूर डालिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।